रामपुर में वाल्मीकि समाज में सांकेतिक रूप से इस्लाम कबूल कर लिया है। पिछले 10 दिन से रामपुर के तोपखाना रोड की वाल्मीकि बस्ती को उजाड़ने का मसला बड़ा रूप अख्तियार कर चुका था। आजम खान के खौफ और अपने सिर पर छत छीनने के डर से लोग अजमरे थे। उन्हें चिंता थी कि उनका घरौंदा बचेगा या नहीं। ऐसे में वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी ऐलान कर दिया था कि अगर इस मसले का हल नहीं निकाला गया तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। ऐसे में अम्बेडकर जयंती के बाद वो डेडलाइन भी खत्म हो गई, जिसके बाद लोगों ने अपनी मर्जी से सांकेतिक तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। बस्ती के लोग लगातार मसले का हल निकालने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हर तरफ से सिर्फ बयानबाजी ही हुई। किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकाला गया। लोगों का कहना है कि अपने घर को बचाने के एवज में उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने कदम उठाया। लोगों का कहना है कि इसके बावजूद भी अगर वाल्मीकि बस्ती तोड़ी जाती है तो इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन फैक्स किया है, जिसमें लिखा गया है कि उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। नगर पालिका के कुछ लोग आए थे जिन्होंने हमारे मकानों पर चिन्हित किया, और चिन्हित करने के बाद हमें ये धमकियां दी कि अगर आप लोग मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेंगे तो शायद आपके मकान बच जाए। तो हमने किया, सर अगर हम इस्लाम धर्म ग्रहण करेंगे और मुस्लिम धर्म ग्रहण करेंगे तो हमारे मकान बचेंगे, तो इससे अच्छा हमारे लिए कोई बात नहीं है, हम इस्लाम धर्म ग्रहण करने को तैयार हैं, लेकिन सर हमारे मकान बख्श दिए जाए। प्रशासन तो आजम खान के पास जा रही है, यहाँ तो दलित है इसलिए नहीं आ रही है। कोई नहीं, जो आता है वही गिरफ्तार कर लेते हैं उसे। हम जब तक हमारा निर्णय नहीं हो जाता, बिल्कुल दिया मान के लिखत में नहीं दे देता जब तक हम नहीं उठेंगे। इसका कारण ये है कि हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, मैं घरों से बेघर करा जा रही है। उन्होंने आने की धमकी दी थी औरतों को, या तो ऐसा कि मुस्लिम धर्म अपना लो कि तुम्हारे घर बच जाएंगे, हम और नहीं अगर ऐसे अगर नहीं अपना हुआ तब मतलब तुम्हारे घर तोड़ देंगे। रामपुर में दलितों की बस्ती उजाड़ने जाने के मामले को 10 दिन बीत चुके हैं और जिला प्रशासन ने अभी तक कोई हल नहीं निकाला है। हालांकि दलित आमरण अनशन पर लगातार डटे हुए हैं और उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने बस्ती को छावनी में तो तब्दील कर दिया है, लेकिन हल निकालने के मामले में कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। एडीएम ने बस्ती पहुंचकर दलितों से बात करने की कोशिश की, लेकिन दलित तब से मस नहीं हुए। दलितों का कहना है कि जब तक उन्हें उनके घर का मालिकाना हक नहीं मिल जाता तब तक अनशन को खत्म नहीं करेंगे। भाई डीएम साहब से तो हर वक्त हमारी वार्ता हो रही है और जब आप कहते तभी हम पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी वार्ता का सही कभी जवाब नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मतलब हमारा लोगों का मानना है कि जो हमारे बस्ती के लोग हैं जमीन का हमें मालिक ना हक मिल जाए, कि साहब यहाँ के मूल निवासी हैं और इनका ही अपना मकान है, हम चाहते हैं कि हमारे मकान में ना तोड़ा जाए। जबरदस्ती नहीं होने दी जाएगी, मतलब इनकी बातों सुन करके ही जो संकेत होगा निकल जाएगा।